हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया होंगे, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है भाई OLX का गंदा वाला फ्रॉड जो आजकल चल रहा है। मतलब कि एक होता है ना कि मतलब मैं दिखा अपने आपको अच्छा रहा हूँ लेकिन अंदर से भाई शातिर दिमाग चल रहा है, वो वाला हाल हो रहा है आजकल OLX पे। तो मैंने जो है फील किया है पिछले कुछ 3-4 दिनों में मैंने देखा है कि OLX पर चल क्या रहा है। एक्चुअली सीन ये चल रहा है कि पहले फ्रॉड क्या होता था कि गाड़ी के मतलब नॉर्मली फ्रॉड पहले क्या होता था कि गाड़ी की जो मतलब गाड़ी कार बाइक या कुछ भी सामान जो है इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, मतलब दिखाएंगे ऐसे कि बहुत नई है, बहुत स्क्रैचलेस कंडीशन है, और लिखते भी हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मतलब डिस्क्रिप्शन खूब लंबी चौड़ी होती थी कि भाई ब्रांड न्यू है, टायर ऐसे हैं, ये है वो है, इतनी चली हुई है, सेकेंड ओनर फर्स्ट ओनर वट एवर जो भी उसकी डिटेल होती थी एवरीथिंग लिखी होती थी सारी की सारी, ठीक है A to Z। अभी क्या चल रहा है कुछ जो है ना मतलब सीन कुछ थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, एक तरह से अपडेट कर दिया एक तरह से। सीन ये हुआ है कि वो बंदे जो है ना वो अपने आप को बोलते हैं कि हम आर्मी वाले हैं, हम मिलिट्री में हैं, हम एयरपोर्ट पे काम करते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, मतलब ऐसा सज्जन आदमी बन के दिखाएंगे आपको कि आपको लगेगा कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है और बाइक जो है बहुत सस्ती मिल रही है, ऐसा आपको प्रिटेंड करेंगे बातों बातों में कि आप जो है बह जाओगे, समझ रहे हो ना भाई साहब। तो मैंने ये चीज़ देखा, मैंने OLX डाउनलोड करा और मैं देख रहा था कि चल क्या रहा है, मतलब कितने की गाड़ी कौन सी आ रही है। तो मैं चेक कर रहा था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे लगा कि भाई शायद कुछ बंदों को होता है ना नीड होती तो बंदे बाइक बेचते हैं सब जो भी है। तो मैंने कहा देखते हैं क्या हालात चल रहे हैं OLX पर। सो मैंने OLX एप्लीकेशन डाउनलोड करी और देख रहा था मैं उसमें, ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था, देखा कि भाई अपाची मिल रही है 2016 या 17 मॉडल थी 25,000 रुपये की, और कंडीशन एक नंबर, ठीक है। पहले एक बार स्क्रीनशॉट देख लो। तो गाइज आपने स्क्रीनशॉट देखा, रेट देख लिया आपने, फिर उसके बाद मैंने इस भाई साहब को मैंने क्या करा, मैसेज करा कि भाई ये बाइक मुझे लेनी है, ठीक है, और आप फर्स्ट ओनर हो कि नहीं हो ये मैंने उससे पूछा। और उस भाई ने क्या करा, स्क्रीनशॉट देखो एक बार और। तो देख लिया आपने स्क्रीनशॉट में क्या लिखा नीचे, डिलीट, मतलब उन्होंने चैट ही डिलीट मार दी। क्यों? क्योंकि मैं इंक्वायरी ले रहा था। चलो जी, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फिर मैं ऐसी मैंने चल कोई बात नहीं, मैं उस टाइम पर नॉर्मल ले गया। फिर मैंने स्क्रीनशॉट तो मैं ले लिए थे, लेकिन फिर जब मैं और स्क्रॉल डाउन करने लगा, देखा भाई स्प्लेंडर भी डली हुई है, स्प्लेंडर का रेट भी देख लो आप एक बार, स्क्रीनशॉट देख लो स्प्लेंडर का भी। तो भाई आपने ये देख लिया, तो मतलब ये 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कहा यार स्क्रीनशॉट लिया, इनमें 2 में नंबर तो मुझे मिले नहीं, लेकिन जो अपाची मैंने आपको जो पहले दिखाई है उसको मुझे उस पे जो है उसमें एक फ़ोटो पे नंबर लिखा हुआ था। मैंने कहा कॉल करते हैं इस पे, देखें तो आखिर हो क्या रहा है। मैंने इनको कॉल करी और ये वॉइस रिकॉर्ड जरा सुन लो आप। हेलो, हाँ जी सर, मैंने आपको ऐड देखा था सर, तो ये अभी अवेलेबल है? कौन सा ऐड देखा था सर? अपाची का देखा था, 2016 है मेरे ख्याल से, 17 या 16 से कुछ, व्हाइट ब्लैक है ना जी। हाँ जी, बात कर रहे हो सर? मैं कालका जी रहता हूँ जी, मैं कालका जी रहता हूँ सर। आपने फोटो एक डाला हुआ था, मैंने कहा कॉल ही करना, नंबर लिखा हुआ था, मैंने कॉल ही कर लिया आपको। तो ये अभी अवेलेबल है ना बाइक जी? सर ठीक है, तो आप कहाँ पर आना हो बाइक लेने के लिए अगर आए तो? सर बाइक आपको लेना होम एड्रेस पे डिलीवरी करा दिया जाएगा, जो भी एड्रेस पे आपको मंगाना, जिसके भी नाम पे कराना उसका डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर देना। मतलब सर मैं समझा नहीं, कैसे? गाड़ी आपको लेना है सर, गाड़ी देखना चाहते हो इसी व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे हाई लिख के सेंड करो, मैं आपके लिए गाड़ी का फोटो RC वगैरह पूरा डालता हूँ। अगर गाड़ी आपको डन हो तो आप अपना आधार कार्ड फोटो एक्सचेंज करो, जिसके भी नाम पे कराना, ऑल डॉक्यूमेंट रेडी करा के गाड़ी आपका होम एड्रेस पे डिलीवरी करा देता हूँ। और सर पेमेंट वगैरह कैसा रहेगा? मतलब पेमेंट आपको कैश ऑन डिलीवरी करना होगा सर, जो बंदा बाइक लेके आएगा उसी के लिए पेमेंट देना, जो डॉक्यूमेंट चार्ज है वो अपना जमा करा देना। अच्छा, डॉक्यूमेंट चार्ज कितना जाएगा मेरा? वो सर आपका लमसम 3,000 तक के लमसम होगा, जो भी होगा वो तो आपको ऑफिस पहुँच के ही बता पाऊंगा सर, यहाँ से तो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, नहीं अगर जैसे मैं वहीं पे, अगर जहाँ पे आपका मतलब घर है मैं वहीं आया, तो घर पे खड़ी ड्यूटी से हूँ, अपने एयरपोर्ट ऑन ड्यूटी से हूँ, तो यहाँ पे तो मिलना तो नोटल हाउस है, आर्मी पोस्ट रूम के अंदर मिलना नोटल हाउस है, अगर आपको लेना है होम एड्रेस पे डिलीवरी कराऊंगा। अच्छा, तो मतलब वहीं आके नहीं कोशिश करते, वहीं पे टोकन ओपन दे देते जी? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे मैं आ जाऊँ अगर एयरपोर्ट के साइड ही, तो वहीं पे पूरी पेमेंट कर दूंगा ना मैं? नहीं सर, यहाँ पे मेरे हर शक हो रही है, मिलना नोट अलाउड है ना, आपको मालूम होगा लॉकडाउन की वजह से मिलना नोट अलाउड हुआ है। अच्छा, तो अभी फिलहाल मेरे को अपने क्या भेजना, आधार कार्ड और
आधार कार्ड फोटो पिक्चर कर देना जिसके भी नाम पे कराना है। ठीक है, तो वो उसका मतलब वो जो आप बता रहे प्रोसेसिंग फीस वो भी अभी इस पर करनी होगी? हाँ, वो 3000 आपको जमा करा देना, बाकी पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी कर देना। ठीक है, तो आप ये नंबर व्हाट्सएप पे? हाँ, ये सेम व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। मैं मतलब आपको जो है व्हाट्सएप कर दूँ। और पैसे पे करना होंगे, कैसे नंबर करना होगा आपको? 3000 रुपए? वो सर मैं ऑफिस पहुँच के अभी 10 मिनट में आपको नंबर सेंड कर दूंगा, फोन पे गूगल पे पेटीएम जो भी आप यूज करते हो वो मुझे बोल देना, वो आपको ऑफिस वालों से नंबर सेंड कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो गाइज आपने वॉइस रिकॉर्ड सुन लिया ना, वॉइस नोट सुन लिया आपने, क्योंकि मैंने इनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे काम करते हैं, एयरपोर्ट पे जो है ऐसी कंडीशन है कि हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते, हाई सिक्योरिटी होती है, फला फला ठिकाना। और दूसरा ये बोल रहे हैं हमारे से कि आप पहले अपना व्हाट्सएप नंबर जो है, जिस नंबर से बात करी ये नंबर व्हाट्सएप पे है, ठीक है, किस नंबर पे। और हाँ, ये जो नंबर है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करना, जो जो भाई दिख रहा है और जिस जिस भाई को यकीन नहीं मेरी बात पे, इस नंबर पे कॉल करो। और कॉल नहीं करनी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, बंदे को बोल दो कि मैंने आपकी अपाची, ये सिर्फ अपाची वाले का नंबर है, स्प्लेंडर वाले का नहीं है, सिर्फ अपाची वाले का है, ठीक है। तो बस नंबर पे कॉल कर लेना और बोल देना कि भैया अपाची आपकी देखी थी ओएलएक्स पर, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। बस हाँ भाई एक चीज़ बता दूँ, ये कितना कुछ बोल ले, आप इसको पैसे ट्रांसफ़र मत करना गलती से भी, अगर कर दिए आपके पैसे गए तो आप लोगों को बचाने के लिए, कई बंदे होते ना ऑयल एक्सिप बाइक परचेज करना चाह रहे होंगे या करते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए वीडियो है बेसिकली कि आप कोई सी बाइक कार अगर आपको लग रहा है कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी, बिल्कुल वैल्यू गिरा रखी है और ये बहुत सस्ती मिल रही है, ऐसा क्यों, और इनकी पहचान क्या है, कि ये डिस्क्रिप्शन में पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, मतलब डिस्क्राइब नहीं करते बाइक या कार के बारे में, ये सिर्फ छोटा लिखते हैं गुड 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 ओके ओके ओके, इनका यही पहचान है। और सिंगल फोटो होगा, ठीक है, पहली चीज़ सिंगल फोटो होगा, और अगर नंबर होगा तो सिर्फ तुम्हारे क्या कहेंगे कि अपना एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो, ये हमें लिखकर मतलब व्हाट्सएप कर दो, और आप हमारे को एक प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है 3000-4000 जो भी ये डिमांड करें, आप ये वो बोलेंगे कि आप ये भेज दो हमारे को। हाँ जी भाइयों, तो भाई गलती से भी पैसे ट्रांसफ़र मत कर देना, वरना आपके पैसे चले जाएंगे, फिर बाद में बोलना दानिश भाई तुमने बताया नहीं और ये नहीं और वो नहीं, ठीक है ना। तो भाई कोशिश करो कि ऐसे फ्रॉडों से बचो, वरना एक फ्रॉड और चलेगा, मैं बताऊँगा आपको उसके बारे में, वो रिकॉर्ड करता मैं अगर, लेकिन वो मेरे किसी फ्रेंड के साथ हुआ था, तो मैं उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि सीन क्या हुआ। उस बंदे ने अपना मोबाइल डाला बेचने के लिए ओएलएक्स पर, जैसे मान लो 2000 रुपए का अमाउंट डाला उसने, और 2000 के लिए ही बंदे का कॉल आ गया कि हाँ भाई हम आपको 2000 रुपए ही पूरे देंगे, हम आपको ना फोन पे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लिंक वो भेजता हूँ, रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और फिर आप जो है उसे एक्सेप्ट कर लेना, और एक्सेप्ट करते ही जो है ना मतलब आप हम आपको पेमेंट कर देंगे। और उसमें क्या लिखा था, रिक्वेस्ट पे टू मनी करके ऐसे कुछ सीन था उसमें, मतलब वो चीज़ें कि उस टाइम पे बंदे को उसे भी पता नहीं था, लेकिन हाँ ये कि फ्रॉड होते होते बच गया था। लेकिन ऐसा होता है कि आपको आपका जो सामान जो एक्सपर्ट डला होता है, बाइक मोबाइल जो भी आपको बेचना है, तो आपको एक फ़ोन आएगा कि भाई हम आपको पूरे पैसे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और पेमेंट करने के बाद हम आपको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, मतलब एक्सेप्ट करते ही आपके पास पेमेंट आ जाएगी। उसमें क्या होगा, जो आपके अकाउंट में बैलेंस होगा वो सारा उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा, उनका सिर्फ यही प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर हो जाओ, बिल्कुल भी मत करना वो काम, ठीक है ना। मतलब आपका कुछ आपको बेचना है ना, तो उसका लिंक मत एक्सेप्ट करना कोई सा भी, अगर वो भेजता है आपको तो, अगर पूरी पेमेंट के लिए भी राजी होता है तो। सपोज आपने 2000 चीज़ डाली और 2000 के लिए राजी हो गया वो बंदा कि हाँ 2000 में पूरे दे रहा हूँ, आपको मैं एक लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक कर देना। क्या हाल है भाई? तो यही आपको बताना था, और बाकी बिल्कुल भी जो है ऐसे फ्रॉड में बताना, कोई DSLR बेच रहा सस्ता, कोई कैमरा, कोई अलग, कोई कुछ ना कुछ सस्ते, आपको पता चल रहा हो ना, खुद ही पता चल जाएगा रेट देख के, एक तो डिस्क्रिप्शन देख लो उस बंदे की कि डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, दूसरा एक ही फोटो डाल रखा है, तीसरी भाई रेट ऐसे मांगे बिल्कुल हटो बचो, मतलब कि रेट अगर जिसकी कीमत 10000 रुपये की है तो वो 2000 ही आपसे मतलब वो डिमांड कर रहा होगा, और आप उस चक्कर में लालच में आकर वो 2000 रुपये की आप धनो जवान कर दोगे, समझ रहे हो ना बात को। तो कुल मिला के ये था कि आपको अवेयर करना था वीडियो बनाकर, तो मैंने कर दिया है, बाकी आपके ऊपर है कि भाई आप इस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हो और कितना हवा में उड़ाते हो, मतलब एक कान से सुना एक से निकालते हो, ठीक है ना भाई। तो अपना काम है आप लोगों को भाई बचा के रखना सब लोगों से, मतलब ऐसे फ्रॉडों से। तो भाई बस होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और हाँ भाई अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट छोड़ देना। बुरी लगी हो वीडियो मतलब पसंद ना पसंद आई हो तो भाई डिसलाइक कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई डिसलाइक क्यों कर रहे हो उसका कारण लिख देना नीचे कमेंट सेक्शन में, और लाइक क्यों कर रहे हो भाई उसका भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भाई कौन से स्टेट से हो आप, हो मतलब कि मेरे को जानना है कि मेरी YouTube फैमिली जो बड़ी हो रही है दिन पे दिन माशाल्लाह से, तो भाई ये अपने जो भाई हैं वो कहाँ कौन कौन से स्टेट से हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो आप प्लीज़ यार जो भी आपका कमेंट्स हो
उसके साथ में आपने लिखना है कि भाई मैं मतलब आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, आई एम फ्रॉम पंजाब, आपकी वीडियो मुझे समझ में नहीं आई, आपकी वीडियो मुझे पसंद नहीं आई, आई एम फ्रॉम बंगाल, कुछ भी मतलब आप ए टू जेड आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लाइक डिसलाइक के मतलब एक तो उसके वजह से और दूसरा अपना स्टेट लिखना है, ठीक है गाइस। तो गाइस होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।